इस साल यूपी की राजनीति ने खूब रंग दिखाया, कभी कोई इस तरफ कभी कोई उस तरफ। राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक खूब उठापटक देखने को मिला, जहां राज्यसभा में सपा के अपने ही बागी हो गए। इन सबसे इतर एनडीए के एक विधायक ने सपा उम्मीदवार को वोट किया, बसपा के एक लौते विधायक ने भी भाजपा को वोट किया। दिन गुजरा, महीना गुजरा और समय ने इस बार सपा का साथ दिया। लोकसभा चुनाव आते समीकरण बांट चुके थे, अखिलेश को यूपी में कांग्रेस का साथ मिला और सालों से बिछड़े और नेताजी के करीब रहे राजा भैया ने भी पाला बदल दिया। जो राज्यसभा में भाजपा के साथ थे वो लोकसभा में गुपचुप तरीके से सपा के साथ हो लिए। ये सपा के लिए फायदे का सौदा रहा। सपा प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट जीतने में कामयाब रही। अब इसे सहयोग कहे कि प्रयोग, एक तरफ राजा भैया के समर्थ और उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष सपा कार्यालय में अपना समर्थन दे रहे हैं, वही दूसरी ओर राजा भैया झारखंड में भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के लिए वोट मांग रहे हैं। यूं तो राजा भैया को आज तक यूपी की सियासत में कोई नहीं समझ पाया। बीते रोज जहां विधानसभा में हंगामा हुआ तो कुछ दृश्य ऐसे भी दिखे कि लोग सोचते रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जहां नेता विपक्ष से मिले और साथ ही सपा के बड़े नेताओं से सबकी डेस्क पर जाकर मुलाकात किया, तो वही कुछ नेता सीएम योगी के पैर छूते हुए नजर आए। मेल मुलाकातों का दौर से पहले सपा और भाजपा ने नेता एक दूसरे पर हमलावर दिखे, तो योगी आदित्यनाथ भी सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के भी मजे लेने में पीछे नहीं हटे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में मंगलवार को योगी सरकार के उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, उस पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का जवाब सुनकर सदन में खूब ठहाके भी लगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए कहा, आपने चचा को गचा दे दिया, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के बयान के कुछ देर बाद सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने कोई गचा नहीं दिया, 2027 में आपके मुख्यमंत्री आपको गचा देंगे। सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे से कहा, आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपने चचा को गचा दे दिया है। चचा बेचारा ऐसे ही मार खाता है, उनकी किस्मत ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के ये बोलने पर माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव मुस्कुराए। हालांकि शिवपाल को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सीएम योगी के बयान का भी जवाब दिया। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा, हमें कोई गचा नहीं दिया, माता प्रसाद पांडे जी सीनियर नेता है, 3 साल तक हम आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने मुझे गच्चा दिया तो यूपी ने आपको गच्चा दिया और लोकसभा चुनाव में आप काफी पीछे रह गए। 2027 में भी सपा आपको हराएगी और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको फिर गच्चा देंगे।